हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप हेयर फॉल से परेशान हैं, आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो जो आज मैं प्रोडक्ट लेके आई हूँ ये है डॉक्टर बत्रा हेयर फॉल शैम्पू और इसे मैंने पर्सनली ही खुद पे ट्राई किया है। तो इसके रिजल्ट मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या इसके रिजल्ट रहेंगे, हेयर फॉल में कितना कारगर है, हेयर फॉल में काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं कि क्या इसका प्राइस है, जो कि एक हेयर फॉल शैम्पू है। तो इसका MRP है वो है 279, पर ये डिस्काउंट में आपको मिलेगा। डिस्काउंट कितना रहता है वो डिपेंड करता है उस टाइम पे कि क्या उस टाइम डिस्काउंट चल रहा है। फ़िलहाल जो इसका MRP है वो है 279, और अगर हम इसके नेट वॉल्यूम की बात करें तो ये 200 ml में आपको मिलेगा। और ये एक हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है, मेन टारगेट रहता है इसका हेयर फॉल का। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जैसे कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी, क्योंकि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल पे बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं हर एक प्रोडक्ट के। ठीक है, सिर्फ हम रिजल्ट उसका देखते हैं कि क्या इसके रिजल्ट है, जो क्लेम कर रहा है वो बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, मतलब जो क्लेम कर रहा है सेम उसके रिजल्ट मिल रहे हैं या उसके अपोजिट मिल रहे हैं या बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो इसके रिजल्ट की बात करेंगे तो देखिए, अगर हेयर फॉल की बात करते हैं तो इसे जैसे मैंने पर्सनली लगाया हुआ है तो मैं इसके रिजल्ट आपको बताऊं। तो इसका रिजल्ट जो रहे कि अगर आप इसे, जैसे मैंने इसे यूज़ किया तो ये बालों को ना बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता, मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्राई। सिर्फ जब आप शैम्पू कर रहे होंगे ना, शैम्पू करते टाइम ही आपको लगेगा कि ये आपके बालों को बहुत ड्राई कर रहा है, लेकिन सिर्फ उस टाइम के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप अगर मास्क लगा लेते हैं तो फिर आपके जो बालों का टेक्सचर हो जाता है वो चेंज होता है। अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई रहेंगे, और ड्राई रहेंगे तो ये फिर ब्रेक होंगे। ठीक है, ब्रेक भी हो सकते हैं, आप अगर कॉम करेंगे तो उलझ के ये झड़ भी सकते हैं। तो ऐसे हेयर फॉल आपका और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि टेक्सचर इसका फॉर्मूला है ना, वो बहुत ड्राई है, आपके बालों को ड्राई कर देता है। लेकिन अगर आप इसे जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से अगर करते हैं तो ये काफ़ी हद तक आपका हेयर फॉल कंट्रोल कर देता है। जैसे मैंने ट्राई किया था तो मैं इस बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हुए, देन उसके बाद मैं मेरा रहता है कि मैं या कोई कंडीशनर या मास्क लगाऊं, तो मास्क लगाने के बाद ही बिल्कुल आपके बालों का टेक्सचर सही हो जाता है और फिर हेयर फॉल नहीं होता, क्योंकि बाल जो होते हैं आपके सिल्की स्मूथ हो जाते हैं और हेयर फॉल में ये काफ़ी हद तक काम करता है। लेकिन अगर आप कोई अच्छा सा कंडीशनर नहीं लगा रहे हैं, कोई अच्छा सा मास्क नहीं लगा रहे हैं या फिर सीरम नहीं ट्राई कर रहे हैं, अगर आपके बाल ये उलझा रहा है, ठीक है, ड्राई कर रहा है, तो फिर ये आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि आपके बाल उलझेंगे। फिर डेली भी अगर आपको क्लीन करना होगा तो फिर कई लोग जो है डेली नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे मेरा रहता है कि मैं डेली रात को ऑयलिंग करती हूँ, फिर जैसी सी बात है कि सुबह उठ के मुझे बाल क्लीन करने ही होंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, ठीक। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एक बार सब कर लें उसके बाद जो है आप 2-3 दिन के बाद करें, तो आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अब बात करते हैं हेयर फॉल। तो जैसे कि रिजल्ट मैंने बता दिया कि रिजल्ट आपको मिल सकते हैं अगर आप जो तरीका मैंने बताया है कि अगर उस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो हाँ, इसका मतलब काम करेगा, ये हेयर फॉल कंट्रोल करेगा, काफ़ी हद तक करेगा। मैं 100% बिल्कुल भी नहीं बोल सकती, क्योंकि इसका फॉर्मूला इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल कोई मास्क या फिर कंडीशनर नहीं अप्लाई करते हैं इसके बाद, तो फिर मैं कहूँगी आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें। अगर आप सिर्फ शैम्पू करना पसंद करते हैं, ठीक है, सिर्फ आप शैम्पू पे ही डिपेंड रहते हैं, तो मैं कहूँगी आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। अगर आप हेयर मास्क या कंडीशनर लगाते हैं तो आप बेशक इसे ट्राई कर सकते हैं। MRP मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये इसका रहा फाइनल रिव्यू। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि आप इसे लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है अगर आपने ऑयलिंग की है तो, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी ये फिनिश हो गया। रीज़न यही था कि मैं ऑयलिंग करती हूँ, और जो इसकी जो क्वांटिटी है ना, वो अगर ऑयलिंग कर रहे हैं आप तो बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब डबल ट्रिपल।